वालेकुम नाजरीन, आज मैं लेके आई हूँ तो ये कमीज लेके आई हूँ। ये कमीज है, इसके ऊपर मैं लूप्स वाला गला आपके साथ शेयर करूंगी। वो गला मैं लूप्स आधे गले पे लगाऊंगी और इसको 4x8 मैंने निशान लगाया है। ये देखें, ये 4 से थोड़ा कम है, इसलिए 4 से कम है कि मेरा आधा गला थोड़ा दूसरी तरह खुला हो जाएगा। खुला इस तरह हो जाएगा कि मैंने आधे गले पे डिजाइन बनाने के लिए आपको समझाने के लिए ये मैंने इधर ट्रेस किया हुआ है, क्योंकि आधा तो मेरा 8 है तो आधा मेरा 9 हो जाएगा। 9 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इधर से मैंने थोड़ा ज्यादा लेने मिलेगा हमें 8x4 ही, इसलिए मैंने ये आपको समझाने के लिए मैंने गला ये गुलाई में लिया, ये समझ रहे गुलाई है, और उसको आधी इंच मैंने इधर रखा है, 1 इंच मैंने इधर रखा है, 1 इंच इधर रखा है, 1 इंच इधर रखा है, लेकिन इधर से मैं आधी इंच नीचे लेके जाऊंगी। और अब इसकी मैं कटिंग करती हूँ आपको समझाने के लिए मैंने ये गला का डिजाइन बनाया। वैसे आप गोल काट के भी बना सकती हैं, लेकिन आप ये समझेंगे कि वो कैसे गला बनेगा तो आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने ये ऐसे डिजाइन किया है। ये मैं गले की पहले वाइड वाली साइड काट रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये आपने जिधर से इधर रखना है उतना ही इधर से रखना है। जब हम गला बाहर की तरफ निकालते हैं और तिरपाई करते हैं और हमें तिरपाई नजर आती है थोड़ी थोड़ी, वो अच्छी लगती है, अगर ये बारीक काटेंगे तो वो अच्छी लुक नहीं आएगी। ये हो गया, अब मैं इसको गोल गला तो हम ऐसे करके डबल काट लेते हैं। हमने इसको डबल नहीं काटना, हम इसको ऐसे खोल के थोड़ा सा पहले डिजाइन करेंगे। डिजाइन करके अगर आपको कटिंग में थोड़ा मुश्किल होगी इस गले की तो आपने 8x4x9 गला गोल गला काटा, 4x गोल काट के फिर उसके बाहर वाला गला जो ये चीज है ये आपने 8x9 हो जाएगी, और जो अंदर वाला हिस्सा ये वाला है आप 8x4 लगा सकती हैं, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने आधा काट लिया है 8x3, ठीक है। अब हमें बड़ा मिल चाहिए इससे, तो हमने इसको इधर से ये हमारा दरमियान वाला ही साइड है, जो कमीज की दरमियान वाली साइड होगी ये उधर तक आएगा। ये वाला हम इधर की शलवार, हमारी जो शलवार है वो प्रिंट है, तो वो हमने उसके इधर से इधर लूप्स लगाएंगे और उसके दरमियान में मोती लगाएंगे। तो ये बहुत आसानी से और इजी तरीके से बनने वाला गला है, और मैं आपको इसको बनाने का और लगाने का तरीका बताती हूँ। ये मेरे लूप्स तैयार हैं, ये गले को मैंने पेपर पट्टी लगा ली है। अब मैं इधर से किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगाऊंगी इधर तक। इधर सिलाई लगाने का मकसद ये है कि जब मैं इधर ये लूप्स लगाऊंगी तो ये मुझे इसका निशान की मदद मिलेगी कि ये मैंने इधर तक लगाने हैं और इसके बराबर लगाने हैं। और अब मैं लगाने के लिए इस तरह इधर से शुरू करूंगी, जब मैं गला बनाऊंगी तो ये मेरे इस तरह ऊपर आ जाएंगे और ये मेरा गला हो जाएगा तैयार। इधर से मैं लगाने शुरू करूंगी इतने वक्फे में, क्योंकि ये मेरा मोती थोड़ा मोटा है तो मैं देखूंगी कि ये मेरा ये देखें, इसको मैं मद्देनजर रखते हुए इसका बनाऊंगी इतना बनाऊंगी। ये इस तरह मैं लगाती जाऊंगी, ये बराबर रखने हैं, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं रखना, फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये मैं इस तरह
इस सिलाई के ऊपर लेके आऊंगी। बाद में मेरी सिलाई इसके ऊपर ही आनी है। बाकी मैं सारी लूप्स इधर से इधर तक ये लगाई है मैंने लूप्स। अब मैं इसको ये दरमियान में इस्त्री की मदद से, ये भी मैंने इस्त्री की मदद से ये लगा रही है, ये देखें। और ये मैं दरमियान में इसको इधर तक लेके आऊंगी और इधर से सिलाई लगाते हुए जिस तरह आम मैं गला बिस्तरा जोड़ती हूँ उसी तरह मैं इसका गला जोड़ूंगी। तो ये बाद में कटिंग करके बताऊंगी कि मेरा ये कैसे गला बना। तब तो मेरा ये इधर तक ये मेरा सीधा हो गया। अब जो मैंने कॉर्नर बनाया था इसको मैं ऐसे कैंची की मदद से इसको ऐसे सीधा करूंगी, ऐसे सीधा करके इसको ऐसे इस्त्री की मदद से मैं इसको ऐसे सीधा करके बताती हूँ। ये मेरा फाइनल है। इसके अंदर अब मैं मोती लगाऊंगी। पहले ये जो तरपाई इधर से ना तरपाई करके जोड़ लूंगी, फिर मैं मोती लगाऊंगी तो फिर मेरा फाइनल हो जाएगा। ये मैंने इधर सीधा गले के आना है ताकि मेरा इधर मुझे इधर से मैं गिरा नजर ना आए। और इसको मैं इसके अंदर ले जाऊंगी ऐसे, इसके अंदर लेके जाके ये जो मेरे मोती हैं आप चाहे तो थोड़े से बारीक लगा लें, लेकिन मेरे पास ये ही है तो मैं ये लगा रही हूँ ऐसे। इसको इधर से लेके इस सुराख के अंदर लेके आना है और ये इसके अंदर चला जाएगा। इसी तरह मैं ये लगाते हुए मैं सारे मोती लगा लूंगी, ये चीज इधर से फिर इधर तक ये चीज। ऐसे ये दो में है इधर से, ये नजर आ रहा है इधर से ऐसे करूंगी। तो इसी तरह मैं ये सारे मोती लगा लूंगी। ये देखिए ये मैंने इधर से गला तैयार करके मोती लगा ली है। तो ये मेरी फाइनल लुक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर पसंद आए तो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।